अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व लिखे गए सुसाइड नोट में अधिवक्ता ने अपनी मौत के लिए अन्य लोगों के साथ भाजपा विधायक दिनेश खटीक को जिम्मेदार बताया है। आरोप है कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट में भाजपा विधायक का नाम होने पर उसे गायब कर दिया। इस पर अधिवक्ताओं ने SSP से मुलाकात की, जिस पर वह सुसाइड नोट सामने लाया गया है। सुसाइड नोट को सील कर दिया गया है। मेरठ के गंगानगर थाने पर पीड़ित व अधिवक्ता ने रिपोर्ट दर्ज न होने पर हंगामा किया। गंगानगर थाने पर मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर के बेटे देवेश तोमर ने फर्स्ट बाइक को सुसाइड की जानकारी देते हुए यह बताया। जी, मेरा नाम दिवेश है। दिवेश, क्या घटना हुई आज यहाँ पर? जी, आज सुबह मेरे पिताजी ने दिनेश खट्टी, एक विधायक के दबाव में आके जी आज सुसाइड कर लिया जी, क्योंकि उनसे लगातार धमकी आ रही थी कि जल्दी से 15 लाख रुपए लाओ। कभी वे दे रहे थे, कभी उनके जो गुर्गे हैं वे दे रहे थे। किस बात के 15 लाख मांग रहे थे वो? जी, उन्होंने वो करवाई थी, अपने यहाँ फैसला करवाया था जी, गाड़ी भी दुआ दी हमसे, सारी चीज़ दुआ दी और 15 लाख रुपए भी। उन्होंने जल्दी 3 महीने का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने टाइम भी नहीं दिया हमें, और भाई जी नहीं करते रहे कि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ 15 लाख रुपए जमा करो जल्दी जल्दी। किसकी शादी हुई थी? जी, मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी। अच्छा, ठीक है जी। और आज कल तुम कल की फुटेज भी हमारे CCTV कैमरे में है। अच्छा। मुंदर प्रधान जो मक्के हैं मुंडरावली के, वे आए थे, वे साफ साफ धमकी दे गए थे कि या तो जल्दी जल्दी पैसे पहुँचा दो, अन्य तुम्हारी विधायक चूड़ी खींच देगा, ऐसी खींच देगा तुम जिंदगी में कभी शुद्ध नहीं हो पाओ। तो आपने सुसाइड नोट पढ़ा था क्या? जी, सुसाइड नोट पढ़ा था, उसमें भी यही मेंशन किया था जी उन्होंने कि मैं विधायक दिनेश खटीक और उसके जो गुर्गे हैं जैसे संतरपाल और ये मुनंदर प्रधान निडावली और एक कुंडा का है जो उसका नाना है स्वाति का धर्मपाल, जिनके दबाव में आ गया मानसिक रूप से मैं जी सुसाइड कर रहा हूं। और कल की जो बात है, कल की जो बात है जी, वे तेजाब छिड़क के अपने वहां गए हैं जी खतुल्ली में, और इन्होंने फिर फोन करा जी खुद ही दिनेश खटीक ने कि इनका मुकदमा लिखो। अच्छा। तो जी फिर उससे ज्यादा भी परेशान आ गए, क्योंकि देखो जी जब विधायक हैं वे कुछ भी कर सकते हैं, और वो कहते हैं मैं कुछ भी कर दूंगा जी। फिर उन्होंने जी फिर आके गई हैं, तो जी उन्होंने बहुत परेशान हो गए जी, इतने परेशान हो गए जी उन्होंने, यू हमारे विधायक जी ने इतने परेशान कर दिए जी हम इन्हें जी, हमारी मौत मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार यही है जी। तो ये आज आप लोग थाने में आए, तहरीर दिया आपने थाने में इनके खिलाफ? जी, हमने उनके खिलाफ तहरीर दी है पूरा। उन्होंने जी इतना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड कर रखा था जी, गाड़ी नाम किसी और के थी जी, हमें दे दी, और उसने पहले तो दहेज में लिखवा दी, फिर चोरी से लिखवा दी जी। 3 थानों की पुलिस हमारे यहाँ दबिश दे रही है लगातार, बताओ जी आदमी मरेगा या जीवेगा अब तुम बताओ, इतना हमारे साथ उत्पीड़न किया हुआ है उन्होंने जी। दरअसल ओंकार तोमर की खतौली निवासी पुत्र वधु ने दहेज उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में ही आरोप है कि भाजपा विधायक दिनेश खटीक बराबर समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। ओंकार तोमर पर बराबर 15 लाख रुपए देने का भी दबाव था। आरोप है कि इस दबाव के चलते ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए firstbite.tv। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।